हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल स्वीट और मुझे पक्का बिलीव है कि इसे खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप इसको बार बार बना के खाएंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही चीप भी है इसको, मतलब ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आप काजू से इसकी कंपेयर करें तो 10 गुना कम रेट में आप इसे घर पे बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप दिवाली पे जिसे चाहें बना के उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी और जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही औसम है। जैसे काजू की कतली का होता है, काजू की मिठाइयों का होता है ना, लगभग उसी जैसा है, 80% तक उसके जैसा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे लिए हमने भुने हुए पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने। अगर आपको पीनट्स को भूनना है, कैसे भूनते हैं, तो आप मेरी जो चिक्की वाली रेसिपी है उसके लास्ट में देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। तो ये लेने हैं हमें 1 कप। अब मैंने 1 कप में से आधे जो हैं उन्हें मिक्सी के जार में डाल दिया है। हमें थोड़े थोड़े करके इन्हें पीसना है, वरना क्या होगा, ये तेल इसका निकल जाता है, वो बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है। हमें बनाना है थोड़ा पाउडर जैसा। तो देख सकते हैं आप, इसका मैंने पाउडर बना लिया है, ये बिल्कुल खिला खिला सा एक पाउडर है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे आप मिक्सी के जार को चलाएंगे, मतलब मिक्सी को चलाएंगे, तो आपको क्या करना है कि 10 सेकंड के लिए मिक्सी को चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। फिर ऐसे चम्मच को नीचे तक घुमाते हुए फिर दोबारा ढक्कन बंद करके चलाना है। ऐसे 3-4 बार करके आप इसको चलाएंगे। अगर एक साथ आप चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये तेल जो है पीनट के अंदर, मूंगफली के अंदर जो तेल होता है ना, उसको छोड़ देगा। उससे क्या हो जाएगा, ये पाउडर जैसा नहीं बन पाएगा, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, क्या सत्यानाश किया है इसका, बहुत ही अच्छे से इसको पीस के दिखाया आपको। अगर आप मिक्सी में जार में डाल के एक साथ इसको पीसते रहेंगे ना बस, तो वो उसकी ये हालत होने वाली है। तो ये वाली हालत आपको नहीं चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप उसको पीसें। तो अब आपको क्या करना है, इसको छान लेना है, जिससे कि जो मोटा पार्ट है वो इसके अंदर रह जाए, जाली के अंदर। जो स्पून है उससे करना थोड़ा मुश्किल होता है, हाथों से आसान होता है। वैसे मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके घर में आटा छानने वाली बड़ी छन्नी है तो आप वो यूज़ करें, वो इस्तेमाल करें, उससे बड़ी आसानी से हो जाता है। तो देखिए गाइस, ये पाउडर पाउडर से हो गया, ये वाला हमें चाहिए। तो जो ये बाकी छन्नी में बचा हुआ है इसको दोबारा हम पीस लेंगे। तो मैंने सारा पीस के तैयार कर लिया है और इसमें डालेंगे अब हम मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर ले रहे हैं हम 1/4 कप से, थोड़ा सा ज़्यादा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। तो जितनी भी चीज़ें आपको नापनी है वो सारी 1 कप से नापनी है। 1 कप पीनट, 1/4 कप मिल्क पाउडर, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें जो मिल्क पाउडर है उसको डाल के मिक्स करेंगे। तो पहले आप क्या करें कि थोड़ा सा चम्मच से यानी कि स्पून से मिक्स कर लें, इससे आपको मिलाने में इसको बड़ी आसानी होगी। अब आपको इसको ऐसे मिलाना है कि जैसे पता ही ना चले इसके अंदर मिल्क पाउडर भी था। इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर देना है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में इस पाउडर को लेके मसलते मसलते इसको अच्छा कर देना है। पर मसलने का मतलब ये नहीं है, बहुत हल्के हाथों से, हमें इसका पेड़ा नहीं बनाना है, ठीक है, पाउडर ही रहना चाहिए, बस ये अच्छे से दोनों मिक्स हो जाए। तो अब चलिए, ये पाउडर हो गया है। तो इस तरीके का हमें पाउडर चाहिए, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसमें हमने मिल्क पाउडर भी डाला है। मिल्क पाउडर से क्या होगा, इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे लिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे चीनी, और चीनी ली है मैंने 1/2 कप। 1 ही कप से मैं सारी चीज़ें नाप रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, आप भी कोई 1 कप ले सकते हैं, उसी से सारी चीज़ें नाप सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें ली है चीनी, तो 1/4 कप लिया है मैंने इसके अंदर पानी। तो जितनी चीनी है उसका आधा पानी ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम कलर, ये फूड कलर है पीले रंग का, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम गैस को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे, और इसको पकने में आपको 5, 6 या 7 मिनट भी लग जाते हैं। तो हमें इसको एक तार की चाशनी बनानी है। तो अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस घंटी को दबाना, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ गया है। तो उसे चेक करने के लिए मैंने बराबर में कटोरी में एक पानी रखा है, जिससे हम उसे चेक कर सकें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि चाशनी हुई है या नहीं हुई है, आपको क्या करना है, बीच बीच में इसको हाथों में उंगली के बीच में डाल के, इसको उंगली के बीच में
आपको चाशनी लेनी है और थोड़ा सा आपस में चिपका के देखना है। अगर एक तार निकल रहा है तो देखिए यहाँ पे कोई तार नहीं निकल रहा है, सिर्फ चिपक रही है हाथों के बीच में, तो वो तैयार नहीं थी। अब आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े से बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि बबल्स आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है। इससे पता चलता है कि हमारी जो चाशनी है वो काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। तो गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए या फिर बंद भी कर सकते हैं, और फिर आप इसको चेक करिए कि हमारी चाशनी हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाली और आप देख सकते हैं मैं अगर कटोरी को इधर उधर कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। तो जो ये पानी है आप ठंडा लें या नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं, पर गर्म वर्म मत ले लेना। तो आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि एक तार निकल रहा है जो थोड़ा ऊपर तक जा रहा है और फिर टूट जा रहा है। तो इसको कहते हैं एक या डेढ़ तार की चाशनी, और ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी जो मिठाई है उसके लिए। क्योंकि अगर आप इससे थोड़ी गाढ़ी कर देंगे तो क्या होगा कि जो आपकी मिठाई है वो हार्ड बन जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। बट हमें चाहिए वो सॉफ्ट बने, तो उस टेक्स्चर के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है काजू वाला, सॉरी काजू वाला नहीं, जो मूंगफली का जो हमारा मिक्सचर है जो हमने छाना था, वो हम इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे और इस टाइम पे गैस कर देंगे बिल्कुल बंद। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे गैस आपको बंद कर देनी है, मैंने बंद नहीं की है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप बंद नहीं करेंगे आपको मिलाने में टाइम लग जाएगा, तो उससे क्या हो जाती है टाइट हो जाती है। क्योंकि काजू, ओ माय गॉड मैं पागल ही हो गई हूँ, ये मूंगफली का जो मिक्सचर है उसे डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट आपको चलाना है। अगर आपको लगे कि जम नहीं रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा चला सकते हैं, वरना 1 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है। और ये डाला है मैंने इसमें देसी घी, इससे क्या होगा इसके अंदर एक चमक आएगी जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो हम चेक करने के लिए मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देती हूँ। टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 मिनट या 1.25 मिनट, 1 मिनट 10 सेकेंड इतना मुझे लगा है। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने पानी के अंदर वो इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा डाल दिया और बिल्कुल गैस कम है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसके अंदर पीनट डालें, पीनट का जो पाउडर है वो डाला है आपने, तो आपको पूरे टाइम लो पे पकाना है इसको, लो पे 1 मिनट के लिए पकाना है, ध्यान रखिएगा। और मैंने भी आपको दिखाया कि इसका गोला बन रहा है, देखा ना आपके, आपने जो पानी में डाला था इसका मतलब ये बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं प्लेट के अंदर, और ये प्लेट पे मैंने लगाया हुआ है घी। अब इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी आपको देखने में लग नहीं रहा होगा कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में है, बट बिल्कुल तैयार है ये। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा घी और इसको थोड़ा मिक्स करना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे मिक्स करने की क्या ज़रूरत है, और ऐसे ही ठंडा हो सकता है रखे रखे। इससे क्या हो जाता है, अगर आप इसको ऐसे ही प्लेट में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक चीनी की जो है ना वो परत जमनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होगा, जब हम मिठाई के गोले बनाएंगे ना वो बिल्कुल भी वो नहीं होंगे, चिकने चिकने नहीं बनेंगे, उनके ऊपर दरारें होंगी, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो उसी वजह से हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे चम्मच से इसे थोड़ा सा हिला डुला रही हूँ जिससे इसके ऊपर चीनी ना जमे। और दूसरा तरीका सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, 2 पॉलीथीन लीजिए अच्छी सी क्वालिटी की, उनके ऊपर थोड़ा घी लगाइए और इस तरीके से इसको करिए। तो इससे क्या होता है स्मूथ हो जाता है, आप देख सकते हैं कितना प्लेन हो गया है बहुत आसानी से। पर ध्यान रखिएगा गरम है, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले गरम गरम में बिल्कुल हाथ लगाए पड़े हैं और हाथ जल गया। दिवाली में पटाखों से तो जले नहीं, और पता चला कि क्या किया था, मिठाई बनाई थी और उसमें जल गए, ऐसा मत करना वरना मुझे ही गालियाँ पड़ेंगी। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। इससे क्या हुआ बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो जब हम इसकी मिठाइयाँ बनाएंगे ना वो बहुत ही लाजवाब लगेंगी। तो बस अब ये हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे फैला के रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसके गोला बना देंगे और गोले बना के इसके रख देंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, 2 पॉलीथीन ली है मैंने, उन पे थोड़ा घी लगा लिया है और उसको मैं रोल कर रही हूँ और थोड़ा सा स्मूथ भी कर रही हूँ। तो बस अब ये हो गया, अब शुरू करते हैं अपनी मिठाई को बनाना। इतनी अमेजिंग है ना गाइज, आपको लगेगा यार शेप को देख के लगेगा यार इतनी भारी लग रही है देखने में तो हम कैसे बनाएंगे, बट बहुत आसान है बिलीव मी। अभी आप देख ही रहे हैं, एक गोला बनाया ठीक है, जैसे लड्डू बनाते हैं ना ये गोला बनाया, उसमें जैसे एप्पल होता है ना एप्पल के ऊपर की तरफ थोड़ा गड्ढा होता है, वो ऐसे करके जो अपनी सबसे छोटे वाली उंगली होती है ना बेबी वाली, उससे एक ऐसे गड्ढा बनाया करके, और थोड़ा सा ऊंचा अगर बनाना है आपको एप्पल ऊंचा बना लीजिए, जैसे आपको शेप चाहिए ऐसी बना सकते हैं। आप चाहे तो हार्ट शेप बना सकते हैं, आप चाहे तो उसकी कतली बना सकते हैं, बट मैं आज इसका एप्पल बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको कर रही हूँ। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप इसको, आपको लगे ना कि थोड़ी दरारें आ रही हैं, तो हाथों के बीच में थोड़ा सा टाइट इसको घुमाते हुए अगर आप बनाएंगे तो इसकी सारी दरारें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
तो गाइस बिलीव मी, इतनी सिंपल है और इतनी टेस्टी है, आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है और आई बिलीव कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए पूरे तैयार हो गया, थोड़ी सी इनकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो अब भाई एप्पल है तो एप्पल में डंडी भी चाहिए, तो डंडी की जगह हम लगा रहे हैं यहाँ पे लौंग, थोड़ी सी बड़ी सी लौंग ले लीजिए जिसकी डंडी थोड़ी सी बड़ी हो, और इस तरीके से हम जितने भी हमारे एप्पल्स हैं उसमें लौंग लगा लेंगे। और मैंने पत्ती भी लगाई है इसमें, पुदीने की पत्ती है, हाँ आई थिंक पुदीने की पत्ती है। तो देखिए गाइस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मेरे तो मुझसे तो मतलब रहा ही नहीं जा रहा है, इसकी फोटो देख के इसकी वीडियो देख के ही नहीं रहा जा रहा है। आई बिलीव कि आपको बहुत 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 पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितनी पसंद आई, क्योंकि पसंद तो आपको बिल्कुल आने वाली है, पर ये ज़रूर बताइएगा आपने बनाई, आपको कितनी ज़्यादा लोगों की तारीफें मिली। तो गाइज इन्जॉय कीजिए ये यमी रेसिपी, और दिखाती हूँ मैं आपको उसका टेक्स्चर अब। और ये देखिए गाइस है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे काजू की मिठाई का जो टेक्सचर होता है ना, उस तरीके का इसका टेक्सचर है। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये कितनी पसंद आई। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।